भाई यूपी ने पर्यटक के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये कहना है यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का। उन्होंने बताया कि हर तरह पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, अयोध्या काशी प्रयागराज मथुरा में पर्यटकों के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। योगी सरकार में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था से पर्यटन उद्योग को पंख लग गए हैं, भविष्य में हम पर्यटकों और सुविधा देने की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज विश्व पर्यटन दिवस है और बीते कुछ सालों में हम देखें मात्र 6 सालों में ही पर्यटन उत्तर प्रदेश का ऊंचाई पर पहुंच गया है। निश्चित रूप से पहले तो आज विश्व पर्यटन दिवस के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से पर्यटन की असीम संभावना उत्तर प्रदेश में है, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, आध्यात्मिक पर्यटन हो, इको टूरिज्म का हो, चाहे एडवेंचर टूरिज्म हो, या हमारे 12 सर्किट जो हम लोगों ने टूरिज्म के अलग अलग बनाए उनका हो, अपार संभावना को उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ जिस तरीके से चाहे मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, नैमिषारण्य हो, चित्रकूट धाम हो, विंध्यवासिनी देवी का हो, या अन्य अन्य जो हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उन डेस्टिनेशन के लिए पर्यटक सुविधाएँ देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का, कनेक्टिविटी देने का, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, उसके लिए युद्ध स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है। और उसी का परिणाम है कि इस बार रिकॉर्ड लगभग 32 करोड़ पर्यटकों की आवक उत्तर प्रदेश में हुई है 2022 में। सर, आगरा टॉप पर हुआ करता था, लेकिन अब काशी, प्रयागराज, मथुरा, ये धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है तेजी से। धार्मिक पर्यटन तो सबसे ज़्यादा हो ही रहा है, लेकिन आगरा का भी अपना एक महत्व है। बहुत जल्दी आगरा में शिवाजी म्यूजियम हम लोग देने जा रहे हैं। हम लोग कोई भी डेस्टिनेशन, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, ऐतिहासिक भवनों का हो, हेरिटेज बिल्डिंग का हो, जो भी पर्यटन सुविधा हो सकती है, हमारा वेलनेस टूरिज्म हो, हेल्थ टूरिज्म हो, एजुकेशन टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, सारे दृष्टिकोण से हम लोग टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में टूरिज्म का हब उत्तर प्रदेश बनेगा और निश्चित रूप से एक उद्योग के रूप में बड़ा राजस्व देने वाला ये पर्यटन होगा।